बहुत मारूंगी बता रही हूँ। बाबा के बाल काट दे। छोड़ कर आ गए दीकानिया को हम लोग। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज है सैटरडे और जो है ना, बस इन लोगों की तो सुबह से दिवाली निकली हुई है, तो मज़े कर रहे हैं सुबह से ये लोग। और जो है ना, मैं और इनके बाबा, हम लोग और वाइबा, हम तीनों सो रहे थे और ये लोग सुबह सुबह उठ के दराज में से पैसे निकाल के चीज़ लेकर आ गई हैं। भाई दुकान पे चली गई और जो है ना, पता नहीं कैसे जाती हैं, दरवाज़ा खोल के भी खोल के जाती हैं, पता नहीं बंद करके जाती हैं, कैसे जाती हो बताओ? बंद करके। तो फिर वापसी में किसने खोला दरवाज़ा? ईका। ईका अंदर ही थी? कौन कौन गया था चीज़ लेने? मैं और हदीका। तो फिर दरवाज़ा खोल के गए थे? दरवाजा किसने खोला था फिर? ईका। ईका ने कैसे खोला? कुंडी लगा के गए थे बाहर से? क्या करके गए थे? खुला हुआ छोड़ के चले गए थे? चोर आ जाते घर पे फिर? बताओ मुझे, अगर चोर आ जाते तो फिर क्या करते हम लोग? दिमाग से निकालो मुंह से। उठ जाते बस, फिर हम लोग उठ जाते। तो जो मैंने ऑयल बनाया था ना, वो मैंने लगाया हुआ बालों में, रात को लगा लिया था। रात को सर में दर्द हो रहा था, फिर जो है ना आनिया से मैं कह रही हूँ, आनिया आप भी लगवा लो अपने बालों में, इनके बालों में भी लगा के। आज इनके मदरसे की छुट्टी है, तो जो है ना मैं इनके बालों में भी लगा के इनका भी हेड वॉश करा दूँगा। इनको भी हेयर फॉल होता है, हानिया को हुआ हुआ हेयर फॉल, हमें लगता है बच्चों को नहीं होता पर बच्चों को भी होता है हेयर फॉल। वाही बा, क्या कर रही हो? माशाल्लाह वाइबा चलने लग गई है। वाइबा की बर्थडे है, वाइबा की बर्थडे तो है 22 मार्च की, पर जो है ना रमज़ान की वजह से हम लोग जो है ना उससे पहले जो सैटरडे या संडे पड़ेगा ना उसकी रखेंगे। 22 तारीख की नहीं करूँ, उससे 2-3 दिन पहले ही कर लेंगे। मिलवाती हूँ अधिका से। अधिक क्या कर रही हो? वाइबा की बर्थडे के लिए सरप्राइज बना रही हो? ऐसे कर के आ रही हो, ये तो बता दो। अच्छा आप ऑयल लगवाओगे मम्मा से बालों में? क्यों? देखो कितनी गर्मी लग रही है, आपके बाल कितने खराब हो रहे हैं। ऑयल लगवाओ फिर हेड वॉश करवा के। पेन कौन है? पेन कौन है? पेन वाइबा के पास है। इससे छीनो, छीनो वाइबा। वाइबा पेन दे दो काको। तो नाश्ता कर लिया हम लोगों ने आज, मैंने तो नहीं बनाया था नाश्ता, मैंने इनके बाबा से बोला भाई जाके आप पठान से लेकर आ जाए नाश्ता, तो वो नाश्ता किया हमने, अब चले गए इनके बाबा, उनको काम था कोई। वाइबा क्या कर रही हो? इधर आओ। ये कुकर के इससे, ये रबड़ से कुकर की, ये पता नहीं कौन से गेम खेल रही थी हदीका, हाथ में ऐसे ऐसे पहन के कैसे कर रही थी? हदीका को नहीं आ रहा था करना, मैंने करके बताया ऐसे होता है। मुझे तो आता है। कहाँ जा रही हो तुम मास्क लगा के? कहाँ जा रही हो? आज तो छुट्टी है, ट्यूशन की भी, स्कूल की भी, मदरसे की भी। इनकी मदरसे की भी छुट्टी है, मैंने इनकी बाजी से फ़ोन करके पूछा था, कल मुझे आके कह रही है मम्मा मदरसे की छुट्टी है, मुझे तो यकीन नहीं है इनकी बातों पे। तो मैंने बोला तुम झूठ बोलती हो, मैं तो नहीं यकीन करूँगी। फिर मैंने अभी जो है ना बाजी को फ़ोन करके पूछा, उन्होंने बोला हाँ छुट्टी है। बताओ मुझे, हाँ ये क्यों मुँह में लेते हो आप? हर चीज़ मुँह में क्यों लेते हो? इसको मुँह में लेने की ना बीमारी, हर चीज़ मुँह में लेती, हर चीज़। टिमी टिमी वाइबा बना क्या रही हो? वाइबा आ जाओ, कम 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 का हुआ? तीत दिखाओ, तीत दिखाओ, अपने तीत दिखाओ, ई करो, ई ई ई। तुम्हें मैं जो है ना बहुत मारूंगी बता रही हूँ। वाइबा के बाल काट दिए अधिका ने, बहुत बुरी बात है अधिका, ये आपके काटू मैं? वाइबा के बाल काट दिए, वाइबा को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वाइबा का मुंह इतना गंदा हो रहा है। दिखो तीन दिखो, हानिया से पूछते हैं, हानिया क्या कर रही है? हानिया भी कुछ बना रही है। हानिया क्या बना रही हो? गेम पर। गेम पर क्या हो सर? नहीं मैं आपको
मुझे क्यों मार रही हो? क्या कर रही हो? बाबा की बर्थडे के लिए सरप्राइज बना रही हो? ऐसे कर क्या रही हो ये तो बता दो। अच्छा आप ऑयल लगवाओगे मम्मा से बालों में? क्यों? देखो कितनी गर्मी लग रही है, आपके बाल कितने खराब हो रहे हैं। ऑयल लगवाओ फिर हेड वॉश करवा के। पेन कौन? पेन कौन? पेन वाइबा के पास है। इससे छीनो, छीनो वाइबा। वाइबा पेन दे दो काको। तो नाश्ता कर लिया हम लोगों ने आज? मैंने तो नहीं बनाया था नाश्ता, मैंने इनके बाबा से बोला भाई जाके आप पठान से लेकर आ जाए नाश्ता, तो वो नाश्ता किया हमने। अब चले गए इनके बाबा, उनको काम था कोई। स्कूल की छुट्टी है तो ये सैटरडे संडे अपनी छुट्टी मनाने के लिए जा रहे हैं। और आगे सन्नाटा, मुझे तो शोर की आदत है, तो फिर मैंने बस कपड़ा निकाला और मैं करने बढ़ गई स्टिच। सिलाई मशीन निकाली मैंने अपनी और मैं सीने बढ़ गई अपने घर का पर्दा। देखिए एसी के लगाए मैंने पर्दे, बीच वाला जो है ना वो लगा हुआ था पहले ही, तो जो है ना मुझे छोटा लगता था, फिर जो साइड वाला कपड़ा था ना वो था मेरे पास रखा हुआ, तो मैंने किसी के लगा दिए पर्दे।